बच्चों कैसे हैं आप लोग? आज शुरू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले हमने पढ़ा था एसिड एंड बेसिस। तो वहां पे एसिड्स एंड बेसिस में जो पहला पार्ट है वहां पे आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जिन लोगों का छूट गया है वो वहां पर देख सकते हैं, और जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए हम लोग थोड़ा वहां से आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। बच्चों आप जानते हैं एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एच प्लस देते हैं डिसोसिएट होने के बाद, या हाइड्रोनियम आयन देते हैं वाटर में, क्लियर है। बच्चों बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH आयन देते हैं अपने सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस डिपेंड्स अपॉन इट्स डिसोसिएशन। बच्चों यहां पे एग्जांपल दिया, HCl डिसोसिएट हुआ, क्या मिला? HIN और Cl आयन। यहां पर NaOH डिसोसिएट हुआ, क्या बना? Na+ और OH आयन, जो आपको बताया था। बच्चों कोई भी एसिड ज्यादा डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? ज्यादा HIN देगा, और अगर कोई कम डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा? कम HIN या कम OH आयन मिलेगा। तो सर समझ में नहीं आया। तो बच्चों कोई एसिड या बेस अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों अगर कोई बेस है या एसिड है लेकिन वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इट गोज पार्शियली, वो इनकंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो वहां पर आपको एच आयन या ओ एच आयन है उनका नंबर कम मिलेगा, और जो नंबर कम मिलेगा तो वो कहलाएगा वीक एसिड और वीक बेस। आइए एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। अब यहां पे कुछ टर्म है, पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सिंगल एरोसोल्स कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स और बेसिस। बच्चों यहां पर डिसोसिएशन ऑफ एसिड और बेस दिखाया हुआ है, तो जहां पे फुल एरो दिखाते हैं इट मींस वो स्ट्रांग होगा और वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा टू गिव लार्जर नंबर ऑफ एच आई एन और लार्जर नंबर ऑफ ओ एच आई एन। अगर वहीं कहीं पर आपको डबल हाफ एरो मिलता है तो इट शोज पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स और बेसिस, और अगर पार्शियल होगा तो वो कहलाएगा वीक एसिड या वीक बेस। अब यहां पे कुछ एग्जांपल है, आइए देखिए। यहां पे HCl देख पा रहे हैं, HIN और Cl आयन दे रहा है, एरो कौन सा है? फुल एरो है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये हमारा होगा सर स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH है, Na+ और OH दे रहा है, सर बेस है लेकिन कैसा है? सर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फुल एरो बनाया हुआ है, एसिडिक एसिड दे रहे हैं आप, यहां पे HIN दे रहा है, और यहां पे एरो कौन सा है? सर डबल हेडेड एरो है, तो समझ जाइए कैसा है, सर वीक एसिड है। यहां पे NH4OH है, NH4+ और OH- दे रहा है, सर बेस होगा, हां बेस होगा लेकिन कैसा है? सर ये वीक है क्योंकि एरो कैसा है? डबल हेडेड एरो है। आई थिंक क्लियर है। तो एक चीज निकल के आती है कि अगर सर एसिड और बेस का डिसोसिएशन कंप्लीट होता है तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड या बेस का डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल होता है, इनकंप्लीट होता है, तो वो कहलाता है वीक। क्लियर है। वीक एसिड और बेस को हम दिखाते हैं हम डबल हेडेड एरो से, और स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को दिखाते हैं फुल एरो से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे हमने HCl NaOH दिखाया हुआ है लेफ्ट साइड में, CH3COOH दिखाया हुआ है राइट साइड में। तो बच्चों ये दिखा रहा है हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन, तो ये जो HCl और NaOH है ये स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? सर आइए, स्ट्रॉन्ग, These two are strong. ये strong acid है और ये हमारा strong base है। बच्चों ये दोनों क्या होंगे? Weak, ये weak acid होगा और ये हमारा weak base होगा। Reason क्या है सर? Because they dissociate partially. सर ये दोनों strong क्यों है? क्योंकि ये acid और ये base completely dissociate हो रहा है, that's why it is strong. Clear? बच्चों अब सीखते हैं पीएच। बच्चों पीएच होता क्या है? तो सिंपली मैं एक लाइन बोलूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। पीएच इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। सर आपके पास एसिड है, बेस है, उसके आपको स्ट्रेंथ का मेजर करना है कि वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इट इज डन बाय पीएच वैल्यू। तो पीएच देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, गिवन बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर है? आइए देखते हैं यहां पे। अब सर पीएच क्यों बोलते हैं? पीएच इट इज द पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब, पीएच क्या कहलाता है? इट इज पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सर इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? पीएच के अंदर पी जो लेटर है, इट इज पी इज डेराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड पोटेंस मींस पावर। क्लियर है सर? जो हमारा पी है ये जर्मन वर्ड पोटेंस से आया है जिसका मतलब होता है पावर।
अब बात करते हैं सर पीएच की डेफिनेशन क्या है, हम किसी को कैसे बताएंगे। तो बच्चों सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन। फॉर्मूला होगा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन। सर ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये अभी स्टार्ट हुआ है सिलसिला, ये 12th तक जाएगा और ये आपको आता ही रहेगा। क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसको आप अभी जान लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, आई थिंक क्लियर है। पीएच बोले तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आई एन कंसेंट्रेशन, फॉर्मूला होगा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आई एन। सर पीएच क्यों यूज करते हैं, तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, इट इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। क्लियर। अब बात करते हैं कि सर आपने कहा कि एच आई एन जो है वो डिसाइड करेगा कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो आइए यहां पे कुछ दिया हुआ है पहले इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस डिपेंड्स अपॉन एच आई एन कंसेंट्रेशन, जो अभी आपको बताया कि सर एच आई एन ही डिसाइड करेगा कि गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, और कितना एसिडिक है, कम है या ज्यादा है, कितना ज्यादा बेसिक है, कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है, कितना कम बेसिक है। आई थिंक क्लियर है, नहीं है तो अब होगा। आइए पहली कंडीशन लेते हैं, इफ एच आई एन कंसेंट्रेशन, बच्चों ध्यान रखना है जब भी किसी के चारों तरफ हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो वो कहलाता है कंसेंट्रेशन। अगर मैं यहां पे बोलूं एच आई एन स्क्वायर ब्रैकेट तो इसका मतलब हुआ सर एच आई एन कंसेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ओ एच आयन तो मैं इसका मतलब हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इतना लंबा लिखना पड़ता है कंसेंट्रेशन, तो क्या करें सर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, इसका मतलब हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयन। तो अगर आपके सॉल्यूशन में एच आई एन कंसेंट्रेशन ओ एच आई एन कंसेंट्रेशन से ज्यादा है, एच आई एन ज्यादा है ओ एच आई एन कंसेंट्रेशन से, तो मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। बच्चों अगर आपका एच आई एन कंसेंट्रेशन ओ एच आई एन कंसेंट्रेशन के इक्वल है तो वो सॉल्यूशन होगा आपका न्यूट्रल इन नेचर। बच्चों अगर आपके सॉल्यूशन में तीसरी कंडीशन ये है कि एच आई एन कंसेंट्रेशन अगर कम है और ओ एच आई एन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बच्चों अगर एक कम होगा दूसरा ज्यादा होगा ही होगा, तो अगर ओ एच आई एन कंसेंट्रेशन ज्यादा है एच आई एन से तो वो सॉल्यूशन होगा बेसिक इन नेचर। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर, यहाँ पे हम लोग पीएच स्केल देखेंगे। पीएच स्केल क्वांटिफाइज द कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई एन इन द सॉल्यूशन एंड इट रेंजेस फ्रॉम बिटवीन 0 to 14। बच्चों यहाँ पे एक पीएच स्केल यूज करते हैं, आपको याद होगा हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए स्केल याद किया था, बिल्कुल वैसा ही स्केल है हमारा पीएच के लिए, उसकी वैल्यू 0 से 14 होती है और वैल्यू देख के हम बताते हैं गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है या न्यूट्रल है। क्लियर। बच्चों बात करते हैं पीएच स्केल का, तो पीएच क्या होते हैं तो आपको क्लियर हो गया है, पीएच इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। क्लियर, हम लोग डिस्कस किए तभी। अब बात करते हैं पीएच स्केल, पीएच स्केल जो होता है बच्चों यहाँ पे पीएच स्केल दिया हुआ है, इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 14 के बीच होती है, तो आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बच्चों रेंज हो गई 0 से 14। आप देख पा रहे हैं कि 0 से 7 और 14 के बीच में 7 जो पॉइंट आ रहा है, अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 है इट मीन्स योर सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल इन नेचर। यहाँ पर एच आई एन कंसेंट्रेशन इक्वल होगी OHIN concentration के जो अभी डिस्कस किए थे। सर अगर pH value जो है आपकी it is less than 7 तो इसका मतलब है कि वहां पर HIN concentration ज्यादा है। आप देख रहे हैं जब हम लोग इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो redness बढ़ रही है, redness बोले तो HIN बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे HIN बढ़ेगा increase in HIN concentration your solution will become more and more acidic, तो आप देखिए यहां पर maximum हो गई है, तो HIN यहां पे maximum है, तो यहां पर ये जो pH 0 है it will show highly acidic solution। क्लियर है, तो जितना ज्यादा HIN concentration होगा उतना ही सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। तो बच्चों जब हम 7 से 0 की तरफ चलते हैं तो इंक्रीज इन एच आई एन कंसेंट्रेशन होता है, एच आई एन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। बच्चों जब हम लोग 7 से आगे जाते हैं 7, 8, 9, 10, 11 up to 14 तो उसका मतलब है डिक्रीज इन एच आई एन, आप देख रहे हैं एच आई एन कंसेंट्रेशन कम हो रहा है और ओ एच आई एन का अमाउंट बढ़ रहा है, तो ओ एच आई एन कंसेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन होगा बेसिक और एच आई एन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए फिर देखते हैं
pH value decrease with increase of HIN. pH value decrease होता है बच्चों जैसे जैसे HIN बढ़ता है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रिलेशन बनाया, pH is inversely proportional to HIN. HIN ज्यादा तो pH कम होगा. आप देख पा रहे हैं pH जीरो हो जाता है कब, जब HIN हायर होता है. क्लियर है आपको. अब बात करते हैं pH value increases with डिक्रीज इन एच आई एन. बच्चो एच आई एन डिक्रीज होगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी. आप देख पा रहे हैं इस तरफ चलते तो एच आई एन कम हो रहा है और पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रही है. 7 से कहां गई है, 14 आ गई है. सर जब एच आई एन कम होगा तो ओ एच आई एन बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे एच आई एन तो कम हो रहा है बट ओ एच आई एन का अमाउंट बढ़ रहा है और ओ एच आई एन बढ़ेगा तो पीएच ही बढ़ती है. इसका मतलब हुआ पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओ एच आई एन कंसेंट्रेशन. आप देख पा रहे हैं तो आई थिंक क्लियर है बच्चों. अगर सपोज एक का जीरो है और एक का थ्री है तो दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे. सर जीरो वाला भी एसिडिक होगा, पीएच थ्री वाला भी एसिडिक होगा, लेकिन मोर एसिडिक कौन सा होगा, जिसकी पीएच कम होगी. जितना ज्यादा पीएच कम होता है उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होता है. तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, बात करते हैं पीएच. देखिए यहां पे समरी बनाया हुआ है, अगर पीएच रेंज 4 to 7 यानी कि 4 to 7 यहां पे पड़ेगा आपका. अगर 4 to 7 पीएच रहती है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, वीकली एसिडिक इन नेचर है. बच्चों मेरी पीएच जो है वो 2 से 4 के बीच आ रही है, यहां पे आ रही है 2 से 4 के बीच. तो समझ जाइए गिवन सॉल्यूशन इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, मीडियम लेवल पे वो स्ट्रॉन्ग है. अब बात करते हैं कि पीएच 0 से 2 के बीच आती है तो वो जो सॉल्यूशन होगा डेट विल बी स्ट्रॉन्गली एसिडिक. अगर 0 2 में कंपेयर करें जितना पीएच डाउन जाएगा, 1 1 के बाद क्या होगा सर, 0 0 हो गया तो डेट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है. तो इट वॉज ऑल अबाउट द पीएच ऑफ द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. बच्चों क्लियर है, पीएच जो होता है वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को स्ट्रेंथ को मेजर करता है. जैसे मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 2 है, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 0 है. तो 0 वाला आप देख पा रहे हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग है बट हु इज मोर स्ट्रॉन्ग. तो जिस सॉल्यूशन की पीएच 2 है वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन अगर 0 से कंपेयर करें पीएच वैल्यू 0 की कम है डेट विल बी मोर एसिडिक. क्लियर है बच्चों. बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन के लिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए. अगर पीएच वैल्यू हमारी 7 से 9 के बीच में लाई करती है इट मींस गिवन सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक इन नेचर. अगर पीएच वैल्यू 10 से 12 के बीच में लाई कर रही है देन द गिवन सॉल्यूशन इज मॉडरेटली बेसिक इन नेचर. और अगर बच्चों पीएच का वैल्यू 12 to 14 के बीच में लाई करता है देन इट विल बी स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर. बच्चों यहां पे स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा. लेकिन अगर कोई पूछता है कि कौन विच इज द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक इन नेचर, जितना ज्यादा पीएच हाई होगा, हाईएस्ट होगा, वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा हाईली बेसिक इन नेचर होगा. तो हाईली बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच की रेंज मैक्सिमम 14 होती है और एसिडिक या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए पीएच का वैल्यू 0 रखा हुआ है. क्लियर है.